हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 1G का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 1G में क्वेश्चन नंबर 2 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सरल कीजिए। अब सरल कीजिए में कुल 6 क्वेश्चन है, बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सरल कीजिए दिया और बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है। हमने आप लोगों को बताया था भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने ये बताया था कि पहले ये जो पहला वाला संख्या है उसको जैसे है वैसे लिख लेंगे आप लोग। 2/3 है तो 2/3 लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस भाग वाले को बदलेंगे ऐसे गुणा में। हल करने के लिए भाग को क्या करते हैं, इसको गुणा में बदलते हैं। तो ये दूसरा वाला जो संख्या है इसका जो हर है, मतलब नीचे का संख्या, वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का अंश नीचे होगा। मतलब 5 नीचे का हम लोग ऊपर लिखेंगे और बटा में ये ऊपर वाला 5 का, देखिए नीचे वाला ये हमने ऊपर लिखा और -4 ऊपर है तो हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे। हल करना आप लोग जानते हैं, हमने बताया था आप लोगों को ऊपर से नीचे का संख्या अगर कटने वाला होगा भाग करके तो काट सकते हैं। जैसे 2 से 4 में आप लोग भाग करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा ये, और ये 1 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब कोई संख्या कैंसिल नहीं होगा तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 और बटा में 3 का 2 में गुणा करेंगे। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस यहाँ लगा देंगे और 3 का 2 में गुणा होगा तो 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में -4 है तो जैसे है वैसे लिख लेंगे -4। यहाँ देखिए ब्रैकेट हमने हटाया, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। और यहाँ भाग को हम लोग किस में बदलेंगे, गुणा में। तो यहाँ देखिए दूसरा वाला बदल देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, बाकी कोई संख्या कैंसिल नहीं होगा। ऊपर वाले संख्याओं का 1 में गुणा कर लेंगे, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 और बट्टा नीचे 3 है तो 3 रहेगा। अब या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 20 में 3 से भाग करके सही बटा में भी संख्या को बदल सकते हैं। 3 से 20 में भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा और शेष बचेगा 2 और नीचे बटा में 3। मतलब इसको 6 सही 2/3 भी लिख सकते हैं या 20/3, दोनों सही है, कोई आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, 6/7। भाग को बदलेंगे जब गुणा में तो यहाँ देखिए उल्टा होगा। हमने बताया नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यहाँ तो कोई संख्या नहीं है तो आप लोग जानते हैं सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है, लिखा नहीं जाता है। तो इसके भी नीचे 1 है, जिसके संख्या नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 होता है। तो 1 नीचे है तो 1 ऊपर जाएगा और बटा में -15 नीचे। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, 6 से 15 नहीं कैंसिल होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं एक ही संख्या से हम लोग अगर ऊपर नीचे का संख्या कैंसिल होने वाला होगा तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं 3 से 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं और 3 से ही 15 को भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 3 से 6 को 2 बार में और 3 से 15 को 5 बार में कैंसिल कर लेंगे। 2 और 1 का गुणा होगा तो 2/7 का 5 में गुणा होगा तो 35, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग 4, 5, 6 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में -1/8 और डिवाइड में 3/4 दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा होगा तो ब्रैकेट हटाएंगे तो -1/8 ही लिखेंगे और भाग को बदलेंगे गुणा में। 4 ऊपर जाएगा और 3 को लिखेंगे नीचे। कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल करेंगे। देखिए 4 से 8 2 बार में कैंसिल होगा और यहाँ 1 लिख लेंगे। -1 और +1 का गुणा करेंगे तो -1/2 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 6, ये आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले संख्याओं का ऊपर करते हैं गुणा, नीचे वाले का नीचे। यहाँ देखिए 15/7 है, भाग को बदलेंगे गुणा में, 7 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा। 7 से 7 कैंसिल होगा 1 बार में और 5 से 15 3 बार में कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए ऊपर वाले संख्याओं का गुणा करेंगे 3 का 1 में तो 3 और बटा में 1
का माइनस एक में गुणा करेंगे, यहाँ तो माइनस रहेगा, एक का एक में गुणा कर लेंगे तो एक ही, माइनस तीन बटा एक का मतलब एक नीचे नहीं लिखते हैं, केवल लिख देंगे माइनस तीन, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे एक होता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस सात बटा बारह, भाग को बदलेंगे गुणा में, तीन ऊपर जाएगा माइनस दो नीचे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तीन से बारह में भाग करेंगे तो चार बार में भाग होगा। अब देखिए ऊपर सात, यहाँ एक बचा, सात का एक में गुणा सात और चार का दो में गुणा होगा तो आठ, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस छः बटा सात है, यदि इनमें से एक संख्या माइनस आठ बटा पाँच है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे हम लोग लिखेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से पूछा गया है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको तो दूसरी संख्या पता है नहीं, तो जब संख्या हमको नहीं पता है तो हम लोग इसको कुछ मान लेंगे। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग लिखेंगे माना, लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है। हमने क्या किया, दूसरी संख्या को हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, हमको तो पता है नहीं दूसरी संख्या, तो हमने x माना और यही x का अगर हम लोग मान निकालना कितना होगा तो वही दूसरी संख्या हो जाएगी। तो जब दूसरी संख्या हमने x माना तो अब जैसे क्वेश्चन कहा गया ऐसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए कैसे कह रहा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस छः बटा सात है, कह रहा दो संख्या दो हैं उनका गुणनफल है माइनस छः बटा सात, उनमें से एक संख्या देखिए दे दिया गया माइनस आठ बटा पाँच है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग लिखते हैं। अब देखिए एक संख्या माइनस आठ बटा पाँच, एक संख्या क्या है माइनस आठ बटा पाँच, और गुणा में दूसरा संख्या हमने क्या माना x माना, हमने गुणा यहाँ लगाया, यहाँ छोटा वाला x मान लेते हैं। देखिए कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या माइनस आठ बटा पाँच है उसमें गुणा करेंगे दूसरे संख्या का, दूसरा संख्या नहीं पता है तो x हमने माना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्या का हमने क्या किया गुणनफल कर लिया, गुणा कर लिया, कह रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, जितना रहता है उसको बराबर के बाद लिखते हैं, गुणनफल कह रहा माइनस छः बटा सात है तो हमने लिख लिया माइनस छः बटा सात, यही कहा गया है। ये देखिए पूरा जो ये वर्ड में दिया गया है, शब्दों में दिया गया है, इसी को हम लोगों ने मैथ में कन्वर्ट किया, कैसे दो संख्याओं का गुणनफल माइनस छः बटा सात है, हमने लिख दिया। अब एक्स को हमको मान इसका निकालना, हल कर देना है। हल कैसे करेंगे, आप लोग याद ये रखेंगे जिसका मान हमको निकालना होता, हमको दूसरी संख्या यही एक्स का मान निकालना नहीं पता है तो जिसका मान निकालना रहता है उसको बराबर के बाएं तरफ रहने देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे, यानी कि एक्स को रहने देंगे, माइनस आठ बटा पाँच को बराबर के उधर ले जाएंगे हल करने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, गुणा में रहेगा तो भाग। तो देखिए सबसे पहले गुणा है, ये नहीं कि माइनस में उधर कर दिए तो प्लस हो गया, नहीं, यहाँ पहले सबसे पहले गुणा भाग होगा तो गुणा भाग को देखेंगे, गुणा में है देखिए ये संख्या उधर जाएगा तो भाग में होगा, लिखेंगे कैसे इसको तो उधर भेज दिए, बचा क्या है यहाँ, बचा एक्स बराबर, ये तो पहले से है माइनस छः बटा सात, अब ये तो उधर गया तो गुणा के जगह पर इधर क्या हो गया, बदल गया चिन्ह, भाग हो गया, मतलब भाग हो गया माइनस आठ बटा पाँच का। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यही x का मान आएगा, x के बराबर आएगा संख्या, और x हमने दूसरी संख्या माना, वही दूसरी संख्या पूछा, वही हमारा आंसर होगा। हम लोग लिखेंगे x बराबर माइनस छः बटा सात, भाग को जब गुणा में बदलते हैं हमने बताया तो पाँच को ऊपर लिख देंगे और माइनस आठ को नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, ऊपर नीचे का संख्या कैंसिल होने वाला होगा तो करेंगे। तो देखिए छः को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं दो से तीन बार में, और दो से आठ को भी चार बार में, एक ही संख्या से ऊपर नीचे कैंसिल कर लेंगे तो x बराबर बचा
तीन का पाँच में गुणा करेंगे तो 15 और बटा में सात का चार में 28। तो देखिए x का मान आ गया 15/28 और x हमने माना था दूसरी संख्या को, यानी कि 15/28 क्या है, दूसरी संख्या। आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 15/28, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको आप लोग अगले पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 में आप लोग जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।